आजकल रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं जिसमें ओटीपी के माध्यम से आप देखते होंगे कि बिजली का बिल अगर आपने नहीं भरा समय पे तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस तरह के भी धंधे चल रहे हैं, तो इन पर भी कार्रवाई हो रही है। तो ये सभी ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं, बट इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे सभी ऐप्स जो फेक हैं, जो इस तरह का आपको प्रलोभन दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या बहुत लालच दे रहे हैं कि बड़ा हैवी रिटर्न आपको मिलेगा, उनसे बिल्कुल सचेत रहें। उनको नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के लोगों को बिहार पुलिस ने सावधान कर दिया है। दरअसल ये सावधानी साइबर फ्रॉड्स और साइबर केस से बचने के लिए, जिस तरीके से पूरे देश में साइबर फ्रॉडों का आतंक देखने को मिल रहा है, बिहार भी अब हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बिहार के लोगों के साथ खास तौर पर अलग अलग तरीके अपनाकर साइबर फ्रॉड्स फ्रॉड कर लेते हैं, पैसा लेकर उड़ जाते हैं। अब बिहार पुलिस अपने तहकीकात में ये पता लगाई है कि कई तरीके हैं जिस तरीके से लोगों को चूना लगाया जा रहा है। फेसबुक लाइक, गेम, ऐप्स और अलग अलग तरीकों को अपनाकर वीडियो कॉल के जरिए भी साइबर फ्रॉड्स पैसा लेकर उड़ जाते हैं, फिर आप इधर उधर भटकने लगते हैं। ईओयू के एडीजी नैयर हसनैन खान ने इस बात का खुलासा भी किया है और साथ ही साथ लोगों को सचेत रहने के लिए, सावधान रहने के लिए अलर्ट भी कर दिया है। नैयर हसनैन खान क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। फिशिंग के थ्रू बहुत सी फेक हम लोगों के पास ये कंप्लेंट्स आती हैं कि वेबसाइट्स और पोर्टल्स हैं जिनसे लोगों के साथ ठगी की जा रही है, उनको धोखा दिया जा रहा है। आजकल रिमोट एक्सेस ऐप्स हैं जिसमें ओटीपी के माध्यम से आप देखते होंगे कि बिजली का बिल अगर आपने नहीं भरा समय पे तो बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। इस तरह के भी धंधे चल रहे हैं, तो इन पर भी कार्रवाई हो रही है और वो नंबर्स को उनको हटाया जा रहा है और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है। और अभी खास तौर से जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग शिकायत आ रही है वो वर्क फ्रॉम होम बहुत से लोग कर रहे हैं, तो इसमें ये पार्ट टाइम जॉब्स से रिलेटेड बहुत से लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है और उनको कहा जा रहा है कि साहब आप अपने प्रोफाइल पे लाइक्स बढ़ाने के लिए हमें इतना पैसा दीजिए, तो एक दिन में आपको हम 100 लाइक्स देंगे और फिर दो दिन के बाद इतने ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो उसका शिकार बहुत से लोग हो रहे हैं और उसकी शिकायतें भी हमारे पास आ रही हैं जिन पर कार्रवाई हो रही है। फिर बहुत से फेक लोन ऐप्स हैं जिसके ज़रिए लोगों को शुरू में तो प्रलोभन दिया जाता है और लोग उसके झांसे में आ जाते हैं, झांसे में आने के बाद उनका पैसा जो है वो गायब हो जाता है। इसमें पैसा कैश करके एक फेक लोन ऐप है, फिर पीपी मनी करके एक है, ये सब बहुत आजकल इस पर शिकायतें आ रही हैं और लोग इसका शिकार भी बन रहे हैं। दूसरा ये है कि एटीएम रिलेटेड फ्रॉड्स हैं जो आपकी जानकारी में है कि आपको फ़ोन करके आपसे मांगा जाएगा कि आप इस पर डायल करिए, फिर ये ओटीपी हमारे साथ शेयर करिए। गेमिंग ऐप्स का भी बहुत दुरुपयोग हो रहा है, इसमें खास तौर से रेसिंग ऐप्स बहुत से हैं, रेसिंग गेम्स हैं जिसमें पैसा लोग लगाने लगते हैं, खास तौर से बच्चों को इसमें जल्दी वो एल्यूर हो जाते हैं। इसमें जीटी स्पोर्ट्स करके किसी तरह का एक ऐप है जो जिसमें इस तरह की घटनाएं हुई हैं। फिर एक चाइनीज़ चेस करके है, उसमें भी बहुत से लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। तो ये सभी ऑनलाइन ऐप्स अवेलेबल हैं, बट इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैं आपके माध्यम से लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे सभी ऐप्स जो फेक हैं, जो इस तरह का आपको प्रलोभन दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, या बहुत लालच दे रहे हैं कि बड़ा हैवी रिटर्न्स आपको मिलेगा, उनसे बिल्कुल सचेत रहें, उनको बिल्कुल यूज़ ना करें। और अगर ऐसे हैं तो उसकी शिकायत भी करें थाना पर। साइबर पुलिस स्टेशन हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं जो 24/7 नंबर्स हैं, जिससे कि इनके विरुद्ध साक्ष्य के आधार पर हम लोग रिक्वेस्ट करें भारत सरकार को, राज्य सरकार को, कि ऐसे फेक लोन ऐप्स या इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं इनको हटाया जाए, इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। सेक्सटॉर्शंस के भी कुछ मामले आते हैं जिसमें लोगों के पास अश्लील वीडियो वीडियो आ जाता है और वो जनरली ये आजकल देखा जा रहा है कि रात में आता है जब आदमी नींद में होता है और उसको समझ में आता है। तो आपने सुना आईपीएस नैयर हसनैन खान को, जिन्होंने साफ तौर से लोगों को सचेत भी कर दिया है और सावधान भी कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसे लोगों से बचकर रहिए, अननोन कॉल्स को पिकअप ना कीजिए और खास तौर पर फेसबुक लाइक के लिए फोन आता है, आपका पोस्ट पे ज्यादा लाइक आ जाएंगे, लोन के नाम पर ठगी हो रही है, अलग अलग तरीकों को अपनाकर साइबर फ्रॉड ठगी कर रहे हैं। लोगों को उन्होंने चेता दिया है और सचेत भी कर दिया है।
बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव चीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव चीज को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।